दोस्तों नमस्ते। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में फाइनली फैसला नहीं हो पाई, अब जो है 31 जुलाई 2018 को समान काम समान वेतन को लेकर के सुनवाई होने वाली है। इसको लेकर के प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से बैठक बुलाई गई थी, जिसमें समान काम के लिए समान वेतन नियोजित शिक्षकों का मिलना संवैधानिक अधिकार है। उक्त बाद गांधी स्टेडियम में टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ के साप्ताहिक बैठक में प्रदेश संयोजक राजू सिंह ने कहा कि बिहार सरकार के भेदभाव की नीति का भंडाफोड़ हो चुका है और जिसका जवाब समय पर दिया जाएगा। फाइनली आप सब देख सकते हैं कि नियोजित शिक्षकों में अब आक्रोश दिख रहा है समान काम समान वेतन को लेकर के। सरकार जो नियोजित शिक्षकों में भेदभाव कर रहे हैं इसको लेकर के, और सबसे बड़ी बात यहां पे कि हम समान काम समान वेतन के लिए लड़ते रहेंगे। बैठक में सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे मामले की समीक्षा की। साथ ही सबसे बड़ी बात कि केंद्र सरकार भी नहीं चाहते हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन मिले। साथ ही आपको बता दें कि 12 जुलाई को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने कहा कि अगर नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन दिया जाता है तो 40,000 करोड़ अतिरिक्त बोझ पर। इस मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होने, और साथ ही सबसे बड़ी बात कि नियोजित शिक्षकों को जीत मिलना इसलिए तय है क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने पहले ही आदेश दे चुका है कि नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामले की सुनवाई में समान काम के बदले समान वेतन का फैसला पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में दे चुका है, इसलिए कहा जा सकता है कि नियोजित शिक्षकों को जीत मिलना तय है। इस मामले की 31 जुलाई 2018 को सुनवाई होने वाली है। अब देखना यह है कि 31 जुलाई को फाइनल सुनवाई हो पाती है या फिर एक बार फिर से तिथि बढ़ा दी जाती है।